उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सामने अब दूर दूर तक कोई पार्टी टिकने वाली नहीं है। योगी ने यूपी में ऐसा जलवा बिखेरा है कि लोग अब बस योगी योगी ही कहते हैं। चाहे कोई चुनाव हो, यूपी में अब जीत बीजेपी की होनी है ये तय मानिए। भले ही विपक्ष योगी सरकार की कमियों को जनता के सामने उजागर करने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन वोट के दौरान जनता सिर्फ कमल पर बटन दबाना जानती है और ये करिश्मा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की वजह से हो पाया है। कोरोना से लेकर तमाम दूसरे मामले को लेकर योगी ने जिस तरह हैंडल किया है, लोगों ने योगी के कामों की तारीफ की है। वहीं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक और जश्न मनाने का मौका आया है, क्योंकि यहां पार्टी और उसके समर्थित उम्मीदवारों ने उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंकों के चुनाव में 311 में से 281 सीटें जीत ली हैं। तीन दशक के बाद ऐसा हुआ है जब सहकारी भूमि विकास बैंकों से मुलायम सिंह यादव के परिवार का वर्चस्व खत्म हुआ है। मंगलवार को सहकारी भूमि बैंकों के चुनाव के लिए मतदान हुआ था। इस चुनाव में विपक्ष के रूप में समाजवादी पार्टी चुनी गई है, हालांकि एसपी को सिर्फ कुछ ही गिनी चुनी सीटें मिली हैं। चुनाव में सबसे ज्यादा दुर्गति कांग्रेस की हुई है। कांग्रेस गांधी परिवार की परंपरागत सीट अमेठी के जगदीशपुर में ही जीत दर्ज करा सकी, जहां राहुल गांधी 2019 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी से हार गए थे। इस ऐतिहासिक जीत से बीजेपी के नेता गदगद हैं। बीजेपी नेताओं ने दावा किया है कि विपक्षी उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ने की ही हिम्मत नहीं की। वहीं विपक्ष ने कहा है कि राज्य की मशीनरी ने चुनाव को हाईजैक कर लिया। हालांकि विपक्ष बीजेपी से चुनाव हारने के बाद ऐसे बहानेबाजी हमेशा से करता रहा है, लेकिन बीजेपी ने चुनाव जीतकर एसपी प्रमुख अखिलेश यादव के मुंह पर करारा तमाचा मारा है, जिसमें वो बार बार कह रहे थे कि यूपी की जनता बीजेपी से छुटकारा चाहती है। महाराष्ट्र में सुशांत सिंह हत्या मामले को लेकर शिवसेना और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत आमने सामने हैं। कंगना सुशांत की हत्या को लेकर उद्धव सरकार पर बार बार निशाना साध रही हैं। कंगना आरोप लगा चुकी हैं कि इस केस में उद्धव के बेटे आदित्य शामिल हैं और महाराष्ट्र सरकार उनको बचाने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही कंगना रनौत मुंबई पुलिस पर भी कई आरोप लगा चुकी हैं। इसके बाद से ही कंगना रनौत और उद्धव सरकार के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। बीते दिनों शिवसेना सांसद संजय राउत ने कंगना रनौत को मुंबई नहीं आने की सलाह दे डाली। इसके अलावा उन्होंने अभिनेत्री का नाम लिए बिना उन पर जमकर हमला बोला। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि अभिनेत्री कंगना रनौत को ट्विटर पर बयानबाजी करने के बजाय सबूतों के साथ पुलिस से संपर्क करना चाहिए और साबित करना चाहिए कि उन्होंने रनौत को धमकी दी है। इससे पहले रनौत ने ट्विटर पर आरोप लगाया कि राज्यसभा सदस्य राउत ने उन्हें खुलेआम धमकी दी थी और उन्हें मुंबई वापस नहीं आने के लिए कहा था। राउत ने अभिनेत्री का नाम लिए बिना कहा ट्विटर पर बयानबाजी करने के बजाय किसी को सबूत के साथ पुलिस और सरकार से संपर्क करना चाहिए। दरअसल कंगना रनौत ने कहा था कि उन्हें फिल्म माफिया के बजाय डर मुंबई पुलिस से लगता है। उन्होंने कहा था कि बॉलीवुड में ड्रग माफिया का पर्दाफाश करने के लिए उन्हें हरियाणा या हिमाचल प्रदेश पुलिस से सुरक्षा की आवश्यकता होगी और वो मुंबई पुलिस से सुरक्षा स्वीकार नहीं करेंगी। इसी बात पर शिवसेना सांसद संजय राउत भड़क गए। हालांकि कंगना रनौत सुशांत की हत्या के बाद से ही उद्धव ठाकरे, मुंबई पुलिस और बॉलीवुड माफियाओं के खिलाफ मोर्चा खोली हुई है। कंगना रनौत उन लोगों में शामिल है जो शुरू से कह रही हैं कि सुशांत की हत्या हुई है। महाराष्ट्र को कोरोना की आग में झोंककर सीएम उद्धव ठाकरे सेल्फ क्वारंटाइन हो गए हैं। सीएम ठाकरे को कोरोना से इतना डर लग रहा है कि वो जनता के बीच जाना मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। एक तरफ जहां महाराष्ट्र से लेकर दूसरे राज्यों के नेता कई मौकों पर जनता से मिल रहे हैं और उनका दुख दर्द जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र की जनता से कोई मतलब नहीं है। सीएम उद्धव ठाकरे अपने घर से ही वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। हालांकि ठाकरे का सेल्फ क्वारंटाइन स्टाइल एनसीपी को पसंद नहीं आ रहा है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने उद्धव ठाकरे की जमकर आलोचना की है। इसके साथ ही बीजेपी ने भी उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है। जानकारी के मुताबिक ठाकरे अपने आप को इतना सुरक्षित करने में लगे हैं कि वो मंत्रालय जा ही नहीं रहे हैं। सारा कामकाज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही हो रहा है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अपने घर से बाहर कदम नहीं रखने और राज्य का दौरा नहीं करने को लेकर काफी आलोचना हो रही है। वहीं एक इंटरव्यू में शरद पवार ने कहा था कि उद्धव ठाकरे राज्य के मुखिया हैं और कोरोना काल में एक जगह बैठकर स्थिति पर निगरानी रख रहे हैं। हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि कोई परमानेंटली ऐसा करे। बीच में उन्हें राज्य का दौरा कर लोगों से मुलाकात करनी चाहिए, लोगों को भरोसे में लेना चाहिए, लेकिन ऐसा होना भी बाकी है। हालांकि शरद पवार के बयान के बाद उद्धव ने राज्य में कुछ जगहों का दौरा किया था। वहीं विदर्भ से आने वाले कांग्रेस नेता आशीष देशमुख ने उद्धव को बाढ़ प्रभावित इलाकों के हवाई सर्वे की सलाह दी थी, लेकिन यहां पूर्व सीएम और विपक्षी नेता देवेंद्र फडणवीस ने विदर्भ का दौरा किया। उधर बीजेपी भी अब उद्धव पर आक्रामक रुख अपनाई हुई है।
बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर ने कहा है कि महाराष्ट्र के इतिहास में उद्धव ठाकरे सबसे ज्यादा घर में रहने वाले सीएम हैं। उन्हें ऐसा मुख्यमंत्री के तौर पर याद किया जाएगा जो घर से बाहर नहीं निकला और लोगों के साथ किसी भी तरह का संपर्क नहीं बनाया। हालांकि अपने मुख्यमंत्री की आलोचना शिवसेना सांसद संजय राउत को रास नहीं आ रहा है। राउत ने उद्धव का बचाव करते हुए कहा कि इस समय उद्धव और पीएम नरेंद्र मोदी दोनों ही एक तरह से काम कर रहे हैं। उद्धव के राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को ये पता होना चाहिए कि पीएम और गृह मंत्री दिल्ली में ही बैठकर काम कर रहे हैं। सभी मुख्यमंत्री एक ही तरीके से काम कर रहे हैं। राउत भले ही बचाव करने के लिए कुछ भी कहे, लेकिन महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे कोरोना के शुरुआत के वक्त से ही महाराष्ट्र के लोगों से दूरी बना ली थी, जिसका नतीजा है कि आज महाराष्ट्र की स्थिति देश भर में सबसे ज्यादा खराब है। लद्दाख में एलएसी पर चीनी सैनिकों के घुसपैठ की साजिश को भारतीय सेना ने एक बार फिर नाकाम कर दिया। चीनी सैनिक ब्लैक टॉप पोस्ट पर कब्जा करने के मकसद से भारतीय सीमा में घुसपैठ की फिराक में थे, लेकिन भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों को न सिर्फ खदेड़ा बल्कि उस इलाके में लगे चीन के कैमरों और सर्विलांस उपकरणों को भी हटा दिया है। भारत की इस कार्रवाई के बाद पहले तो चीन बौखलाया हुआ था और गीदड़ भभकी दे रहा था, लेकिन अब चीन के सुर बदल गए हैं। चीन को समझ आ गया है कि ये 1962 वाला भारत नहीं है और अब भारत से पंगा लेना भारी पड़ सकता है। चीन अब भारत के सामने झुकने को तैयार हो गया है और अब एलएसी मसले पर भारत के साथ बातचीत करने की इच्छा जाहिर कर रहा है। जानकारी के मुताबिक चीन के रक्षा मंत्री जनरल वेई वेंगे ने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलने की इच्छा जाहिर की है। रूस की राजधानी मॉस्को में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक से इतर चीन के रक्षा मंत्री जनरल वेई वेंगे ने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मुलाकात की इच्छा जाहिर की है। चीनी पक्ष ने भारतीय मिशन के समक्ष ये इच्छा व्यक्त की। सीमा पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच जारी तनाव के मद्देनजर इस घटनाक्रम को बेहद अहम माना जा रहा है। हालांकि भारत के रक्षा मंत्रालय की ओर से चीनी रक्षा मंत्री के राजनाथ सिंह से मुलाकात की इच्छा पर कोई बयान अब तक सामने नहीं आया है। इससे पहले सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली थी कि शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने चीनी समकक्ष से मुलाकात नहीं करेंगे, लेकिन अब चीन खुद भारत से बातचीत करना चाहता है। अब देखना होगा कि भारत चीन के पहल पर बातचीत के लिए तैयार होता है या नहीं, क्योंकि भारत ने साफ कर दिया है कि अगर चीन एलएसी पर हिमाकत करने की कोशिश करेगा तो उसको माकूल जवाब दिया जाएगा। बॉलीवुड में कंगना रनौत एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो अपने बलबूते एक अलग मुकाम हासिल की हैं। कंगना किसी भी मामले पर खुलकर बात करती हैं, किसी से नहीं डरती हैं, बेबाक अंदाज में अपनी राय रखती हैं। कई बार कंगना का ये अंदाज बॉलीवुड के लोगों को पसंद नहीं आता है, लेकिन इन सब से कंगना को कोई फर्क नहीं पड़ता। सुशांत मामले को लेकर जहां बॉलीवुड के अधिकतर लोग खामोश थे, वहीं कंगना लगातार उद्धव सरकार और मुंबई पुलिस पर हमला कर रही थी। कंगना सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे पर भी निशाना साध चुकी थी, तभी से उद्धव सरकार और कंगना रनौत के बीच 36 का आंकड़ा चल रहा है। बीते दिनों उन्होंने मुंबई पुलिस और उद्धव सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि उन्हें मुंबई पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जैसा लग रहा है। इस पर कई सेलिब्रिटीज ने कंगना के विरोध में ट्वीट किया है। अब कंगना ने एक बार फिर पलटवार किया है। कंगना ने ट्वीट किया है कि मैं देख रही हूं कई लोग मुझे मुंबई वापस न आने की धमकी दे रहे हैं, इसलिए मैंने तय किया है कि 9 सितंबर को मुंबई आऊंगी। मैं मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचकर टाइम पोस्ट करूंगी, किसी के बाप में हिम्मत है तो रोक ले। दरअसल कंगना ने बीते दिनों ट्वीट किया था कि वो बॉलीवुड के ड्रग लिंक के बारे में जानती हैं। उन्होंने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के लिए ट्वीट किया था कि वो मदद कर सकती हैं बशर्ते उन्हें सुरक्षा दी जाए। इस पर बीजेपी लीडर राम कदम ने महाराष्ट्र सरकार को ट्वीट करके सवाल उठाया था। इस पर कंगना ने जवाब दिया कि वो सेंटर या हिमाचल प्रदेश से सुरक्षा चाहती हैं। मुंबई पुलिस से उन्होंने डर बताया था। इस पर संजय राउत का बयान था कि इतना ही डर है तो मुंबई ना आए। कंगना ने पलटवार किया था कि मुंबई अब पीओके जैसा फील हो रहा है। महाराष्ट्र में मंदिर खोलने का मामला गर्माता जा रहा है। शिवसेना इस बात पर अड़ी है कि चाहे हिंदुओं की भावना कितनी भी भड़के, महाराष्ट्र में मंदिर नहीं खुलने वाला। राज्य में शराब की दुकान, मॉल, ये सब खुल चुकी है, लेकिन शिवसेना को मंदिर से अभी भी परहेज है। बीजेपी सहित तमाम दल लगातार मंदिर खुलवाने पर अड़े हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे किसी की नहीं सुन रहे हैं। बीते दिनों महाराष्ट्र में मंदिर खोलने की मांग को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने मुख्यमंत्री और चचेरे भाई उद्धव ठाकरे को इस मसले पर पत्र लिखा है। महाराष्ट्र सरकार के मंदिरों को न खोलने के फैसले पर निराशा व्यक्त करते हुए राज ठाकरे ने कहा है कि क्या सरकार हिंदू भावनाओं के प्रति बहरी हो चुकी है। राज ठाकरे ने सरकार से मंदिरों को खोलने की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि अगर सरकार मंदिर नहीं खोलती है तो हम मंदिर की ओर मार्च करेंगे।
हालांकि राज की चेतावनी के बाद अब उद्धव ठाकरे के सिपा सलाहकार संजय राउत का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। राउत ने कहा कि देश के साथ साथ राज्य में कोरोना वायरस मामलों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए विपक्ष को मुख्यमंत्री के साथ चर्चा करनी चाहिए। राज की चेतावनी के जवाब में राउत ने कहा कि एक लोकतंत्र में सभी विरोधियों को मुख्यमंत्री से बात करने का अधिकार है, इसके लिए सड़कों पर उतरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य के लोगों के स्वास्थ्य के हित में सीएम ने तालाबंदी का फैसला लिया था। हालांकि राउत ने राज ठाकरे को जवाब दे दिया है, लेकिन देखना होगा कि क्या इसके बाद भी राज ठाकरे मंदिर खुलवाकर ही दम लेते हैं। मध्य प्रदेश की सत्ता बीजेपी के हाथ में है। कभी कांग्रेस में रहे कद्दावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी को मजबूत करने में जुटे हैं। एमपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जो सिंधिया के साथ खेल किया, अब सिंधिया चुन चुन कर कांग्रेस से बदला ले रहे हैं। पहले तो कमलनाथ को सत्ता से बाहर करा दिया, उसके बाद कांग्रेस के कई विधायक और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता बीजेपी का दामन थाम लिए। एमपी में कांग्रेस पूरी तरह बिखर चुकी है, वहीं सिंधिया एमपी में होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस की रही सही कमर तोड़ने में जुटे हैं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। सिंधिया ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि राहुल गांधी की सोच टिप्पणियों तक सीमित है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के विकास और सुरक्षा वाली सोच रखते हैं। सिंधिया ने कहा कि देश की जनता जागरूक है और सकारात्मक सोच के साथ जुड़ी हुई है और जुड़ी रहेगी। कांग्रेस अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की 15 महीने की सरकार रही। जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तब वो और कांग्रेस के दूसरे नेता ग्वालियर चंबल अंचल में आए ही नहीं। सिंधिया ने कहा कि अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना वायरस और बाढ़ जैसी आपदाओं का सामना करते हुए काम कर रहे हैं। इसके बावजूद हर विधानसभा सीट पर 200 से 300 करोड़ रुपए के विकास कार्य स्वीकृत हुए हैं। हालांकि सिंधिया की चोट से कांग्रेस अभी भी बाहर नहीं निकली है और प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति दिनों दिन खराब होती जा रही है। ऐसे में एमपी उपचुनाव में बीजेपी जहां मजबूती से लड़ रही है, वहीं ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस पहले ही हार मान चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।